अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। जैसे इंडिया यूनिकॉर्न्स की दौड़ में बढ़ता जा रहा है, इंडिया की आईपीएल टीम ने चेन्नई सुपर किंग ने पहला यूनिकॉर्न्स हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर जाए, उसकी नेटवर्थ $1 बिलियन हो। आइए पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन में जाके टिक कर दियो यार, ताकि मेहरबानी। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग ऑलराउंडर, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अब पीएसएल जो चल रहा है, आगे आईपीएल भी आने वाला है, स्पोर्ट्स को आप किस नज़र से देखते हैं? स्पोर्ट्स नाउ डेज तो ये है कि अब बिजनेस बन चुका है। जैसा होता है लीग्स होती हैं, आईपीएल पीएसएल जितनी लीग्स होती हैं, फ्रेंचाइज आपको पता है जो लेती है टीम, जो बड़े 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 बिजनेसमैन होते हैं तो वो जब ख़रीदते हैं टीम को तो बहुत पैसा हो चुका है क्रिकेट में। पहले इतना पैसा नहीं था, लेकिन अब लीग ज़रा जबकि आ चुकी है क्रिकेट में, बहुत पैसा हो गया, बिजनेस एज अ बिज़नेस हो गया ये। जैसे अब आईपीएल है, उसमें टीम्स जो हैं इंडिया में, वैसे ना जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। जैसे मुंबई इंडियंस का जो अंबानी फैमिली है वो काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन है, तो वो टीम्स को जब कैच करते हैं तो वो अलॉट ऑफ मिलियंस डॉलर्स उनके पास होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, तो आराम से वो कोई भी प्लेयर खरीद लेते हैं, तो खरीदते भी महंगा है वो काफ़ी प्लेयर, तो बिजनेस बन चुका है, बहुत पैसा है क्रिकेट में। पहले नहीं था इतना, लेकिन अब बहुत पैसा आ चुका है क्रिकेट में। सर आपको ये पता होगा कि इंडिया में पहले ही बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, अब चेन्नई सुपर किंग इंडिया की स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न्स में आ गई है, तो आप इस आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, जो आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, वो यूनिकॉर्न बन चुकी है, पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो आईपीएल की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग, नो डाउट बड़ी अच्छी टीम है वो, सुपर विजन में एमएस धोनी की, तो वो उसका बनता भी था वो टीम, ऐसे भी मेरी फेवरेट टीम है आईपीएल की, तो जी वो बन चुकी है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न पहली इंडिया। आईपीएल में बिजनेस बहुत है, बिजनेसमैन बहुत हैं, बिजनेस जितने भी हैं ये आईपीएल में आ जाते हैं और अपनी टीम को खरीद लेते हैं। जैसे जलमी वो होगी, क्या नाम है उसका, बम्बई होगी, ये काफ़ी टीमें, मतलब कि उधर वो बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, तो इन्वेस्टर बहुत है उधर, तो इसलिए उधर ये जलमी, ये क्या नाम है, बम्बई बहुत है, मतलब कि हिट जा रही है। और सर आप पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं? पाकिस्तान का स्पोर्ट इसलिए देख रहे हैं कि ये इतनी, मतलब कि वो करते नहीं है पाकिस्तान वाले, तो स्पोर्ट नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं करते पाकिस्तान, बस ये पाकिस्तान की थोड़ी खामी है। और इंडिया में ये है कि उधर हर प्लेयर को देखते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको फिर वो ज़्यादा मेहनत करता है और बिजनेसमैन उसको प्रॉपर किया। तो पाकिस्तान में इसको किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान प्रोग्रेस में तो है, अब जैसे प्लेयर्स को पहले इतना चांस नहीं मिलता था, पीएसएल आ चुके, पीएसएल में जो परफॉर्म करता है उसको चांस मिलता है टीम में। उसके अलावा जो पहले ये था कि पहले चांस नहीं प्लेयर्स को इतने मिलते थे, अब इसके अलावा जो टैलेंट हंट जो लाहौर कलंदर्स ने शुरू किया हुआ है उसमें जो प्लेयर्स हैं, बल्कि जो मेरे साथ खेलते रहे हैं, जो बिग बैश भी खेल के हैं, दानियाल अहमद दानियाल जो है वो, फिर हारिस वगैरह सारे टेप बोले खेले थे, जो टैलेंट हंट लाहौर कलंदर ने शुरू किया है इससे काफ़ी प्लेयरों को मदद मिलेगी और ऊपर आएंगे वो उम्मीद है, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस प्रोग्राम के तहत, तो ये टैलेंट कैच कर रहा है ये टैलेंट हंट जो है, तो उम्मीद है पाकिस्तान का फ्यूचर जो है क्रिकेट का वो इस तरह बेहतर होगा। पहले नहीं था इतना बेहतर, प्लेटफॉर्म नहीं थे आवाम के पास, तो अब जो है प्लेटफॉर्म है, परफॉर्म करके आप आ सकते हैं आगे। सर ज़्यादा बेहतर आपको कैसे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डोमेस्टिक भी वर्क नहीं होगा तो प्लेयर्स आप पिक करते हो बेसिकली डोमेस्टिक से, जितने प्लेयर्स हैं ज़्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसमें प्लेयर्स परफॉर्म करें, न्यू टैलेंट जो है वो उभरे और आप उसको टीम में एज अ प्लेयर चांस दे सके प्लेयर्स को। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन पा रहा? बेसिकली इंडिया में इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं और वो काफ़ी रिच इन्वेस्टर्स हैं जो इस पे जो टीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में है लेकिन कम है अभी, लेकिन उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काफ़ी जो है ब्रांड्स हैं वो जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं टीम्स को, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी उभरेगा इससे इसमें। सर इंडिया का आपका कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे बेसिकली जो प्लेयर पसंद है विराट कोहली है, इंडिया का, नो डाउट सबको पता है वो कैसा प्लेयर है, तो मुझे विराट कोहली बेस्ट प्लेयर लगता है इंडियन। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फिलहाल तो बाबर आजम है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबर आजम जो है वो टॉप पे है इस टाइम। कोई मैसेज फॉर इंडियन?
कोई मैसेज देना चाहो इंडियंस को? इंडियंस के लिए यही मैसेज है कि अब जैसे देखें आईपीएल वो खिलाते हैं करवाते हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स नहीं जा पाते, पीएसएल होते हैं इंडियन प्लेयर्स नहीं जा सके, तो इनको चाहिए क्रिकेट में ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। वो अलहदा बात है, सियासी तौर पर ही अब ले लेते हैं क्रिकेट को भी, क्रिकेट को एज आ क्रिकेट ही लें पॉलिटिक्स से हट के, तो ताकि आईपीएल हो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलें और पीएसएल हो इंडियन प्लेयर्स भी हैं, तो जो लीग है ये और चार चांद लेंगे लीग्स पे, आईपीएल में भी पीएसएल में भी, तो इनको क्रिकेट में जो है वो मिलजुल के काम करना चाहिए। सर मेरी बात तो ये, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर से जो पीसीएल शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले उसमें से रिश्वत ख़त्म की जाए। रिश्वत ले के खेलना और बगैर रिश्वत के खेलना ये एक बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और आईपीएल में आपको लगता है कि रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाता है? मेरे ख्याल में है कि अगर रिश्वत लेते हैं तो वो उनका अपना मज़हब है, वो अपने, लेकिन हमने अपने उनको नहीं देखना, हमने अपने पाकिस्तान को देखना है, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखना है कि हम अपने पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाएं, हम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को ऊपर कैसे लेके जाएं। अगर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स ही नीचे रह जाएंगी, हमारे जो कोचिज़ हैं वो कोई बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम जैसे जो है वो कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे बेहतर हो सकता है ये चीज़? ये चीज़ ऐसे बेहतर होगा अगर हम मिल के इनके साथ मिल के बैठें। एक तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो हैं एक दफ़ा जब चले जाते हैं फिर ये अपने आप को बड़ा कहना शुरू कर देते हैं, लो जी हमसे तो बड़ा है नहीं, ना मुलाकात होती है इनकी, ना इन्होंने कोई हमसे मशवरा लेना होता है कि स्पोर्ट्स के बारे में क्या करें क्या ना करें। तो ये हमसे अगर मशवरा लेंगे, हम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो इन्हीं चीज़ को अगर ये देखेंगे तो उनका जो है वो ऐसा स्पोर्ट्स को जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो कोई मैसेज देना चाहो? हम पाकिस्तान को मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये अपनी जो स्पोर्ट्स है इसको ऊपर लेके आएं, और जैसे आईपीएल ऊपर लेके जा रही है ऐसे ये मिलके अगर काम करना चाहें, पाकिस्तान अगर उनके साथ नहीं मिल रहा लेकिन आपस में मुल्कों की दूसरे मुल्कों की टीमें हैं उनको आपस में मिलाएं, और जो क्लबों के हैं जो इधर समनावा ग्राउंड के क्लब हैं उधर मॉडल टाउन के क्लब हैं उन क्लबों को आपस में मिलाएं, उनमें लड़कों को देखें, जैसे इमरान खान 92 में ऊपर लेके आए थे लड़कों को, ऐसे ही अगर ये लोग हमें देखें लड़के कैसा खेल रहे हैं उनको आगे देखें, ताकि टीम जो है वो ऊपर से ऊपर जाए। अच्छा मुझे आप ये बताओ, इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो दो प्लेयर बहुत पसंद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो बुमराह है, उसकी बॉलिंग का एक्शन एक पसंद है और उसकी जो सी बॉल निकलती है फास्ट वो बहुत अच्छी है। और कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? और के एल राहुल, उसका क्या चीज़ आपको पसंद है? उसकी बैटिंग की जो सी शॉटें हैं वो बहुत अच्छी, वो ड्राइव बहुत अच्छी मार लेता है, उस वजह से वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? पाकिस्तान में मुझे दो अपने ओपनर बैट्समैन सबको पसंद है, बाबर आजम वर्सेस रिजवान, और बाबर आजम की बैटिंग और रिजवान के छक्के बहुत पसंद है मुझे।